नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। महंदवाल संत कबीर नगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ब्लॉक सभागार महंदवाल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरकार द्वारा चलाई गई नमामि गंगे योजना के अंतर्गत निर्धारित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सहायक अध्यापक सहित तमाम महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में अरविंद कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के चतुर्थ चरण का आयोजन चल रहा है। धर्मेंद्र कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। तो पानी समुचित मात्रा में आए हो जनजन का कल्याण, हम करें कुछ अंशदान, करें योजना में योगदान। हर घर नल से जल लाना है, गांव को खुशहाल बनाना है। आओ मिलजुल कर हाथ बढ़ाए, हर घर नल से जल पहुंचाए। ये तेरी चाबी, जल की न हो कहीं बर्बादी। जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। हर घर नल, नल से जल, ऐसे पानी आएगा आपके घर। हर घर नल, नल से जल, जल से ही अपना कल है। तो हमारे घरों का जो पानी होता है, ये आज हमारे परिवेश की वजह से पूरी तरह से हम जो पानी उपयोग में ले आ रहे हैं, वो पानी कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन के रूप में, यानी एक धीमा जहर की तरह शरीर में जाता है, जो धीरे धीरे आजकल एक आम बीमारी सी बन चुकी है, पथरी, है ना। हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं पथरी वाली समस्या आती है। क्या वो लोग पानी ही पीते हैं? पीते हैं ना। जिस पेशेंट को भी हो जाती है, वो भी कहता है तो बहुत पानी काम होता है ना, ये कहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। कारण कहीं ना कहीं हम पी रहे हैं। बात अगर की जाए कि हमारे थोड़ा सा बात करते हैं, उसकी चर्चा करके पेट्रोल के आगे हमें करना क्या है। अगर बात करें हमारे प्रतिदिन के खर्च, हम कितना पानी पिलाने के लिए देते हैं? 5 से 6 लीटर का, ठीक है, 8 लीटर, ठीक है। एक औसत मानक जो होता है 3 से 5 लीटर का मानक होता है। एक स्वस्थ आदमी कम से कम 5 लीटर पानी प्रतिदिन। दूसरा काम आता है आपको बताया ना, सबसे है ना, खाते हैं नहीं आप लोग, खाते हैं तो सबकी भोजन की व्यवस्था बना रखते हैं, ठीक है। तो बता मानते हैं हमारी समस्या, 2 लीटर से काम लगे। आप बताओगी 2 लीटर लग रहे हैं, चलिए ठीक है, 5 लीटर पानी आप लगा लेंगे। तहसील मेहदावल के अंतर्गत ब्लॉक सभागार मेहदावल में किसी प्रकार का आयोजन हुआ, देखते हैं किस चीज़ का आयोजन हुआ है। आइए मिलते हैं। हाँ सर, किस चीज़ का आयोजन हुआ है, कैसा बैठक है? ये जल जीवन मिशन का चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण है जी, जिसमें 4 विभागों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आशा, एनम, आंगनवाड़ी समूह की महिलाएं और शिक्षकों का ये प्रशिक्षण है। इसमें अलग अलग बारी बारी से अलग अलग डिपार्टमेंट को बुला करके प्रशिक्षण दिया गया जी। आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं अयम वर्मा, यहाँ पे मुख्य प्रशिक्षक के रूप में जल जीवन मिशन के चतुर्थ चरण में हूँ जी। और ये ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण है, इस
इसमें समस्त चारों विभागों का निरीक्षण किया जाता है। चार विभाग जैसे जिसमें हमने अभी बताया कि इसमें शिक्षक, आशा, आंगनवाड़ी। शिक्षक में पुरुष या महिला? सहायक अध्यापक और शिक्षा मिलते। अच्छा अच्छा, उसमें महिला और पुरुष का कोई बंदिश नहीं है? जो ऑलरेडी वहाँ पे स्थापित है तैनात हो। जी जी जी। तो अब तक आपने क्या मतलब ये दो दिवसीय है या एक दिवसीय की कितने दिन का है? दो दिवसीय शिक्षण है जी। कब से चल रहा, आज शुरू हुआ या? आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है, दो दिवसीय है तो आज इनका टोटल चौथा दिन है। ये समूह की। अच्छा, अलग 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 डिपार्टमेंट वाइज ये दूसरा। जी जी जी, ये दूसरा दिन है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि अरविंद जी प्रशिक्षक के रूप में बता रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा इन्होंने जो दिया मिलते हैं, उन प्रशिक्षक से प्रशिक्षुओं से क्या हो पाती हैं। इस समय जो प्रशिक्षक के रूप में महिलाएं यहाँ पर शिक्षण ले रही हैं उनसे मिलते हैं, क्या उन्होंने सीखा इसके बारे में जो दो दिवसीय ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब मैडम आप बता सकती हैं आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम ममता शुक्ला है। ममता शुक्ला जी, आप क्या यहाँ आज ही आई हैं या कब से सीख रही हैं? जागृति महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ जी। मैं जल मिशन कार्यक्रम में भाग लेने आज आई हूँ। आज आई हैं जी। क्या आपने सीखा? सर यहाँ पे मैंने जल संरक्षण के बारे में सीखा। जैसे? और घर घर जैसे जल संरक्षण, वर्षा का जल जो है कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं जी। घर में जो घरेलू यूज करते हैं हम जल को जी, उसको हम कम से कम खर्च करें जी, उसको अधिक मात्रा में हम जो है उसको वेस्ट ना करें जी। और इसके बाद हमने जो है सीखा कि हमें जो है अपने जो है जो सावर का पानी हम ओपन करते हैं इसकी जगह जो है हम जो है टब में पानी कलेक्ट करके स्नान करें, संरक्षण करें पानी का। और यदि उसके बाद भी अगर हम पानी को जो है जैसे कपड़ा धुल लेते हैं और पानी बचता है तो उसको अपने घर के गार्डन में यूज करें, अपने घर की साग सब्जियों में जो है उसका यूज करें जी। इस तरह से हम जो है वेस्ट पानी का भी संरक्षण कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं जी। तो जैसे वर्षा के जल के संरक्षण में आपने क्या सीखा? वर्षा के जल के संरक्षण में हमने सीखा कि छत पर हम जो है टब, खुले टब को हम रख सकते हैं जिसमें बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है जी। और उसमें हम ड्रम भी रख सकते हैं ओपन करके जी, ऐसे कुछ पार्ट्स को रख करके। और कई जगह में तो ऐसे पॉलीथीन्स लगा करके भी चारों तरफ से बरसात का जल कलेक्ट किया जाता है जी, जिसका सदुपयोग हम घर धुलने में या अपने घर के गार्डन में हम कर सकते हैं, कपड़ा धुलने में कर सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं, देखते हैं आप लोगों में क्या सीखी हैं, कोई बता सकती हैं क्या आपको उस प्रशिक्षण मिला? जी सर, हमने हमें ये जानकारी आज से आप आ रही हैं या कल से आ रही हैं? दो दिवसीय है, आज दूसरा दिन है। आज मैं पहली बार यहाँ आ रही हूं। आज आपका पहला दिन है, चलिए ठीक है। तो आज पहले दिन आप आई तो क्या आपको सीख मिला यहाँ? जी आप बहुत जानकारी मिली यहाँ से, किस तरह से पानी का सदुपयोग करना चाहिए, अपने पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस तरह से। मैडम एक मिनट, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ कैसे आई हैं? जी मेरा नाम गीता है और मैं साढ़े कला से हूँ जी। और हमारे समूह का नाम है जमुना आज स्वयं सहायता समूह जी। जी जी, तो आप अपने स्वयं सहायता समूह से अकेले आई हैं या कोई और? मेरी दो सदस्य भी आई हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या सीखा आज के इस जो प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा? यही सर कि मतलब किस तरह से पानी को मतलब सदुपयोग किया जा सकता है जी, और किस तरह से वर्षा का पानी का भी मतलब इस्तेमाल यहाँ बताया गया है कि जी, किस तरह हम वर्षा का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी को मतलब किस तरह बचा सकते हैं जी। और तो जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि संरक्षण तो उन्होंने बताया, आप ये बता सकती हैं उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे संरक्षण करने के बाद प्रयोग आपको बताया गया जी? कहाँ के कपड़े धोने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी, घर की साफ सफाई में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आजकल सबके घर घर पर मतलब मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, उसको भी हम साफ कर सकते जी, हैं जी। हमारे घर पर जब मवेशी हैं हम उनको नहलाने में धुलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जी, तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सब प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और उनके अंदर जल संरक्षण का जो है ज्ञान हो रहा है।
तो आप देख सकते हैं प्रशिक्षक के रूप में अरविंद जी, धर्मेंद्र गौड़ जी, अनिल अरविंद, धर्मेंद्र गौड़, इस तरह से सभी लोग ट्रेनर के रूप में यहाँ लोग महिलाओं को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि महिलाएं प्रशिक्षण से जुड़ी जो उनको ज्ञान भी हो रहा है किस तरह से जल का संरक्षण करना चाहिए, उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, इंडिया समाचार, तहसील में।